बीजेपी फिर आएगा 2024 में, फिर से जीतेगा। बीजेपी ने कभी बिहार में आया है नहीं, कभी आएगा, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी जीतेगा। अरे फिर से आएगा, फिर से जीतेगा, आएगा बीजेपी, रहेगा, जीतेगा भी। ओनली फॉर देश में सरकार, ओनली फॉर देश में सरकार, बीजेपी के वोट देने का सम्मान देंगे। हम सफर भारत में हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। जिस तरीके से मोदी जी 9 साल बेमिसाल का जश्न मना रहे, इसको लेकर हम पहुंच गए पटना के गांधी मैदान, जहां पे युवा बैठा के मुझे अच्छे से बात करेंगे। इन लोगों से एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी वाले लोग है भैया, तो क्या कहेंगे ये लोग? 9 साल बेमिसाल का जश्न मना रहे हैं, तो इसका मतलब 9 साल में मोदी जी इतना कुछ कर दिए हैं कि उनको जश्न मनाने का फुर्सत हो गया। एक तरफ कश्मीर में हमारे जो फौजी भाई है वो शहीद हो जाते हैं, और अमित शाह और मोदी जी मिलकर जश्न मनाते हैं। कहीं और जाके भैया चले, इन्हीं से जानते क्या सही होगा। राम राज्य, सॉरी, 9 साल बेमिसाल, कितना बेमिसाल रहा ये 9 साल आपका? 9 साल में इतना बेमिसाल रहा कि सबको बेहाल कर दिया। कैसे? अब 9 साल इन लोग को लग रहा सही होने में। जी बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, चाय बेचिए, पकौड़ी छानिए, अपना बिजनेस कीजिए, मगर दूसरा देश में कमाने नहीं। अपना बिजनेस अच्छा, मैंने चलिए बीए पढ़ के तू पकौड़ी बेचबा, तो जो ठेला रिक्शा चलेगा वो देश राज चलाएगा। अरे जो बीए पढ़ेगा वो पकौड़ी बेचेगा, तो जो ठेला रिक्शा चला रहा है पकौड़ी बेच रहा है, इसका मतलब वो राज चलाएगा, मूर्ख जैसे मोदी जी जैसे। चाय बेच के वो भी तो प्रधानमंत्री बन गया, इसीलिए तो मूर्ख नेता चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया, देश को बर्बाद कर रहा है। अरे आप पढ़ते क्यों है? एक मिनट, कोई आदमी पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ाई इसलिए करता है कि ताकि वो भलाई करे, हमसे ज्यादा वो जानता है, जानकारी रहता है उसके पास, पढ़ाई इसलिए होता है, वो सिस्टम वो संभाल लेगा। अब मूर्ख आदमी ठेला रिक्शा वाला काम अगर पढ़ा लिखा आदमी करने लगे, मूर्ख आदमी ठेला रिक्शा वाला काम पढ़ा लिखा करने आदमी करने लगे, तो फिर वो जो मूर्ख आदमी देश चलाएगा, तो देश ऐसे ही बर्बाद होगा। मोदी जी भैया भाई बात बोले, देखिए इनका कहना है कि 9 साल उनकी सरकार रही है, अगली बार भी बीजेपी ही आएगा, जय श्री राम, आएगा बीजेपी। बीजेपी होगा आरजेडी के जोड़े खाना खा रहा है, साला गद्दार कहेंगे। अरे पूर्वक, तो तुम्हारे जैसे अंधभक्त नहीं, जिस तरह कुर्सी बचाने के लिए वोट लेने के बाद नेता एक हो जाता है, उसी तरह हम दोनों भी वोट देने के बाद एक होकर रहते हैं दोस्ती बचाने के लिए, समझा? इलेक्शन जब आता है ना, ये बीजेपी को सपोर्ट करता है और हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। अब चाहे इसका पार्टी जीते या हमारा पार्टी जीते, इसका पार्टी जीता तो इससे हेल्प हो जाता है मेरा, हमारा पार्टी जीता तो हमसे हेल्प हो जाता है इसका। सरकार किसी का रहे, पावर में हम ही रहेंगे, समझा? तुम्हारे जैसे बुर्बक नहीं है। जय हो दोस्ती।